गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के थर्ड एंड फाइनल पार्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नॉर्मल सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, और आज हम अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर, क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें हम अपना पैसिव वॉइस बनाएं और लास्ट में बाई न लगा हो? तो कमेंट सेक्शन में मैंने उसे मेल कर दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने डाला है, आप कल के कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे केस में हम लास्ट में बाई नहीं लगाते। यहाँ आज हम शुरू करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, जो कि हम मेनली इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है हमारा कमांड, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, दूसरा है रिक्वेस्ट, और तीसरा है एडवाइस। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं हम कमांड से, जिसको हम कमांड या ऑर्डर कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड्स, बेसिकली दो तरह के कमांड्स होते हैं, जैसे कि विद सब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट। यानी कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ देखिए, आपको दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे हमने कहा मोहन एक ग्लास पानी लाओ, ये विद सब्जेक्ट है, यहाँ मोहन हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ कभी कभी कमांड ऐसे देते हैं कि सामने जो कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेम टाइप यहाँ पे है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, पर एक्चुअली सब्जेक्ट है जो कि हिडन है, क्योंकि आप हवा में तो बात करेंगे नहीं, एक गिलास पानी लाओ, हवा पानी तो लाएगा नहीं, नॉर्मल ऑब्वियसली वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिडन है। तो जो भी हमारे कमांड्स होंगे, उन कमांड्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक पैटर्न है जो कि पैसिव में करने के लिए आता है, ये है लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हमने ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखा है कि यहाँ देखिए हमने लिखा भी है कि हेयर ऑब्जेक्ट इज रिटन इन ब्रैकेट टू इंडिकेट, ये बताने के लिए है कि इफ देयर इज सब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस, अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखता है, जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा था मोहन, अगर हमें सब्जेक्ट दिखता है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट विल बी देयर, वहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अदरवाइज इफ नो सब्जेक्ट देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट, अगर वहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तो हम लास्ट में इसमें अपना ऑब्जेक्ट भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने दिया है मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया किस प्रकार से चेंज करना है। सबसे पहले लिखना है लेट, हमने लिखा लेट, उसके बाद क्या करना है हमें, न्यू सब्जेक्ट, हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमें जोड़ना है क्या, बी, हमने बी जोड़ दिया, ये बी जुड़ा हुआ है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रॉट, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट भी आया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा भी हम देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हिडन है, तो कैसे चेंज किया इसको, तरीका सेम है, सबसे पहले लिखा हमने लेट, ये यहाँ पे लिख दिया लेट, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो न्यू सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हमने जोड़ा बी, यहाँ जुड़ गया बी, और उसके बाद वी थ्री, यहाँ हमने ब्रिंग का ब्रॉड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए लास्ट में हमने यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से आप जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नया पैसिव सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट
प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तब होगा जब हमारे एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट विजिबल होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन को लेकर चलते हैं, ये है एडवाइस। एडवाइस क्या है कि इसमें आपका कोई ना कोई एक मॉडल जरूर होता है। आपको मॉडल पिछली बार बताया गया था कि मॉडल आपके 13 होते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, ऐसे आपके 13 मॉडल्स होते हैं। तो हर एक एडवाइस में कोई ना कोई एक मॉडल जरूर होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये मॉडल में कोई चेंजेस नहीं करिएगा, जैसा मॉडल आपके एक्टिव सेंटेंस में है वही मॉडल आपको पैसिव सेंटेंस में भी यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड ओबे रूल्स, ये हमारे एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, रूल्स, रूल्स हमारा बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना, मॉडल, तो मॉडल हमारा देखिए एक्टिव सेंटेंस में क्या था, शुड, हमने सेम मॉडल यहाँ यूज़ किया शुड। मॉडल के बाद यूज़ करना हमें क्या, बी, यहाँ पे हमने बी यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था इसलिए लास्ट में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया बाय अस। एक एग्जांपल देखते हैं दूसरे मॉडल के साथ, वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड ओल्ड एज पीपल, हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे हमारा मॉडल क्या है, ऑट टू। अब चेंज करना शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, पेरेंट्स एंड ओल्ड एज पीपल, हमने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमें लगाना मॉडल, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए एक्टिव में हमारा मॉडल क्या था, ऑट टू, हमने यहाँ लगाया ऑट टू। उसके बाद हमें लगाना है क्या, बी, यहाँ पे लगा दिया बी। उसके बाद हमें यूज़ करना है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये हमारा बी सब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया बाई अस। तो इस प्रकार से जो भी हमारे एडवाइसेज हैं, इन एडवाइसेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ एक चीज़ क्या, न्यू सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और फाइनली इसका अंतिम पड़ाव जो है रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं इनको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा रिक्वेस्टिंग वर्ड है, जैसे कि प्लीज़ या काइंडली जो कुछ भी होगा उसको हटा दें, उसकी जगह पे यूज़ करेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, और साथ में जोड़ देंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बचा हुआ सेंटेंस, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या, विदाउट एनी चेंज, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं करनी है इसको, ना ऑब्जेक्ट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है क्या, प्लीज़ या काइंडली जो है उसको हटा करके लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ देखिए हमने दिखाया है प्लीज़ गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, हमने प्लीज़ को रिमूव किया किससे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और देखिए बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, एज इट इज़ लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं। Kindly supply some edible items to beggars. हमने क्या किया, Kindly को remove किया, हमने लिखा you are requested to, kindly की जगह पे, और बाकी सारा item as it is लिख दिया, supply some edible items to beggars, देखिए बिना किसी change के। तो यहाँ पे जो हमारा requesting word है ये सबसे इजी और सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट तो हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी से कभी ना कभी करते ही रहते हैं। तो यहाँ भी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी प्लीज़ या काइंडली है उसको आपको चेंज कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और रेस्ट ऑफ द आइटम लिख देना है विदाउट एनी चेंज। और
सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसमें इस समय आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अभी आपके सिलेबस में जो है ये आपका तीन चीज़ें थी, आपके नॉर्मल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ से हम आपके इन तीनों सेंटेंसेस को फिनिश कर रहे हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिखिए, मैं उन क्वेश्चंस को समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ फ्रॉम कोरोना, बी हैप्पी एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे सेफ। Have a nice day.